will be Sanika. This is question number 8 of exercise 6.5. Question is that the diagonals of a rhombus measure 60 cm and 30 cm. Find its perimeter. आप हो गए कभी क्वेश्चन में रेक्टेंगल आ रहा है कभी रॉम्बस आ रहा है लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं हम तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो इसमें रॉम्बस और रेक्टेंगल का क्या काम है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था कि रेक्टेंगल था फिर हमने वहां से क्या फाइंड आउट करा था राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ से भी रॉम्बस से भी हम राइट एंगल ट्रायंगल निकाल ही लेंगे तो करना क्या है सबसे पहले रॉम्बस क्या होता है रॉम्बस एक फोर साइडेड फिगर है फोर साइडेड फिगर होने के साथ उसकी फोर साइड जो है वो इक्वल होती है ठीक है रॉम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस ये मेरा रॉम्बस है सपोज और ये किसी का जो है शायद काजल का किसी याद दिला रहा है यस दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रॉम्बस ये रॉम्बस है इसकी फोर साइड्स आपकी इक्वल होती है ठीक है बस रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है हर एंगल लेकिन रॉम्बस में नहीं करता है रॉम्बस में क्या होता है कि जो आपके डायगोनल्स हैं यानी डायगोनल्स डायगोनल्स का मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स है अगर उनको लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए तो आपके डायगोनल्स मिल जाते हैं तो जो आपके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं अच्छा बाइसेक्ट क्या होता है बाइसेक्ट मीन्स कि आपकी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ठीक है तो ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं और फिर देखो यहाँ से आपका 90 डिग्री एंगल निकल गया है अगर आप यहाँ से देखोगे तो जो हमारे डायगोनल्स कट हो रहे हैं वहां पर हमें क्या मिल रहा है फोर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं और कौन से ट्राइंगल्स मिल रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल इनको नेम दे देते हैं जल्दी से सपोज दिस इज पी क्यू आर एस और इसको मैंने दे दिया ओ ठीक है तो फोर साइड फिगर है और निकालना क्या है पेरिमीटर पेरिमीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास पेरिमीटर का फॉर्मूला है पेरिमीटर ऑफ अ रॉम्बस पेरिमीटर ऑफ अ रॉम्बस इक्वल्स टू फोर मल्टीप्लाई साइन ठीक है फोर मल्टीप्लाई साइन अगर एक भी साइन आ रहा है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी क्योंकि फोर से मल्टीप्लाई करना है साइन को तो अब करना क्या है अब मुझे मेजरमेंट दे रखी है किसकी डायगोनल्स की मेजरमेंट दे रखी है डायगोनल्स कितना है डायगोनल सपोज ये एस क्यू ये वाला है एस क्यू ठीक है और इसको मान लेते हैं ये है हमारे पास आर और पी जो एस क्यू है वो मेरे पास है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ठीक है तो इसको हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर ठीक है इस वाले को हमने सपोज 30 सेंटीमीटर मान लिया यहां से यहां तक ठीक है और 16 सेंटीमीटर यहां से यहां तक सपोज हमने फाइंड आउट कर लिया इसको मान लिया इसको 16 सेंटीमीटर अब मैंने आपको बोला कि रॉम्बस की ये प्रॉपर्टी है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ठीक है तो बाइसेक्ट का मतलब जो आपकी लाइन है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अगर ये 16 सेंटीमीटर है ठीक है तो इसका ये हाफ बनेगा एसओ एसओ इक्वल टू ओ क्यू ये कितना बनेगा ये अगर 16 है तो ये बनेंगे मेरे पास 8 सेंटीमीटर क्यों क्योंकि ये पार्ट इस पूरी लाइन का हाफ है ऐसी ये वाला डायगोनल है तो ये मेरे पास बनेगा पीओ इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ये 30 सेंटीमीटर है तो ये मेरे पास बनेगा 15 सेंटीमीटर क्योंकि पीओ और आर क्यू ओ आर क्या है हाफ ऑफ द फुल डायगोनल ठीक है तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई यहां से मुझे ये मिल गया ये मिल गया अब करना क्या है अब निकालना है मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज इसमें से कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं सपोज मैंने लिया आपके पास कि मैंने लिया एस आर और ओ ठीक है या आप कोई भी ले सकते हो फ्रॉम द रॉम्बस फ्रॉम द रॉम्बस इन ट्राइंगल आर ओ एस आर ओ एस ठीक है तो आर ओ एस में हमारा क्या लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है पाइथागोरस थ्योरम यहां 90 डिग्री बन रहा है तो अपोजिट साइड इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बिगेस्ट साइड ठीक है तो यहां से बिगेस्ट साइड निकल के आ जाएगी और मेरे पास क्या निकलेगा आर एस स्क्वेयर इक्वल्स टू आर ओ स्क्वेयर प्लस
एस ओ स्क्वायर, ठीक है। अब आर एस मुझे गिवन है, नहीं गिवन है, तो इसको एज ऐसे लिख देते हैं आर एस स्क्वायर। आर कितना है, आर मैंने यही देखा था, आर मीन्स ओ आर, कुछ भी लिख सकते, दिस इज 15 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया 15 स्क्वायर। और एसओ, एसओ इज 8 सेंटीमीटर, तो इसको हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनका स्क्वायर खोलना है, आर एस स्क्वायर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15, दैट इज 225, एंड 8 स्क्वायर मीन्स 64, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इसे, 225 एंड 64, दिस इज 289, आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब 289 एक बड़ा नंबर है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इसको हमें खोलना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के बाद जो 289 है, इसका आपका स्क्वायर बनेगा 17 स्क्वायर, ठीक है। आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर आ गए, तो ये जो स्क्वायर है इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आर एस इक्वल टू 17, ठीक है, आर एस इक्वल टू 17, तो 17 मेरे पास आ चुका है, आर एस 17 सेंटीमीटर, आर एस निकल गया है, आर एस, आर एस कहाँ है, ये है, यानी मेरे जो रॉम्बस है उसका एक साइड आ चुका है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला मुझे पता है, पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड आ रही है, दूसरी साइड निकालने के लिए क्या करना, तीसरी साइड के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 17 सेंटीमीटर था, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 7 7 28 कैरी 2, दिस इज 68 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर मेरे पास आ गया 68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि 17 ये सारी साइड हमारी 17 है, तो पेरीमीटर मेरा निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर।